और पहले सुन तो ले तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हमारी पब्लिक इतनी बोली है, इसे पता नहीं होता इसके साथ क्या हो रहा है। ये हुआ पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से। सीमन में रेत डाली, सरिया भी इतफाक का कमजोर डाला, अब इतफाक में वो बरकत कहाँ। तो मीडिया आ जाए वो देख तो ले इन करप्ट सियासतदानों की वजह से आवाम कैसे मर रही है। चाह महमूद जरा पूछना, मुझे इस लड़की को बचाने से फायदा होगा या फिर गिरने दें? और ताकि पिछली हुकूमत के खिलाफ केस बनाकर उसको अंदर बंद करवाएं। बचाओ। ओ बचाता हूँ, तुम देखना मेरी हुकूमत आई तो कोई लड़की इस तरह नहीं गिरेगी। हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि गिरने से 5 मिनट पहले आप मुतलका थाने या रेस्क्यू सेंटर फोन करके बच सकेंगे। ओ मीडिया आ गया, ओ देखें किस तरह पिछले हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया पब्लिक का, अवाम मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या हुक्म आया है? बचाना है लड़की को। लड़की को बचाता हूं। कहां गई? थैंक यू। छोटा सा मसला हो गया। मुझे छोटे छोटे मसले मत बताया करो, मैं सुपर हीरो हूं, मुझे बड़ा मसला बताओ। मुझे आप खुद मसले को बड़ा कर लेते हैं माशाल्लाह। मुझे मसला बताओ, तुम्हें पता है कि बगैर काम के मैं एक मिनट फारग नहीं रह सकता। मुझे पता हो कि अगले 5 मिनट फारग है तो मैं शादी कर लेता हूं, फारग नहीं रहता। वो जी एक शॉपिंग मॉल की दीवार गलत बनाई गई है, किसी से टूट नहीं रही। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, इतनी देर में तो मैं शॉपिंग मॉल बना लेता हूं। दिखाओ कौन सी दीवार है। जी सर आए प्लीज। ये आपने क्या किया? एक दीवार तोड़नी थी, आपने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, मैं छोटे छोटे काम नहीं करता, दोबारा बनवा दूंगा।